तो हम उनको भी रखेंगे। उज्जैन जिले के ग्राम वाचाखेड़ी में लगभग 3,28,000 रुपए की लागत से बने तालाब के फूटने का मामला जब सिंचाई मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा के पास पहुंचा, तो उन्होंने वाचाखेड़ी तालाब फूटने की जांच के निर्देश दे दिए। बावजूद तालाब के ठेकेदार और सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ताबड़तोड़ टूटे हुए तालाब को जेसीबी से ठीक करने का काम शुरू कर दिया है। मौके पर कोई भी अधिकारी आए तो उन्हें भ्रष्टाचार दिखाई नहीं दे। इसकी सूचना मिलते ही विधायक दिलीप सिंह गुर्जर और जिला पंचायत अध्यक्ष कारण कुमारिया मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया, साथ ही इस तालाब की जांच कराने की बात कही। आपको बता दें कि वाचाखेड़ी में 3,28,00,000 की लागत से तालाब का निर्माण किया गया था, परंतु पहली बारिश में ही पानी पाल के नीचे से सुरंग बनाकर बह गया। इसके निर्माण में लापरवाही बरतते हुए खुलेआम भ्रष्टाचार किया गया है। इस तालाब के बनने से आसपास के हजारों बीघा जमीन पर सिंचाई की सुविधा मिल सकती थी, लेकिन अब तालाब फूटने से ग्रामवासियों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पाल फूटने से पूरा तालाब खाली हो गया है। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। एक बड़ी क्षति हमारे क्षेत्र में हुई है, ठेकेदार की अधिकारी लापरवाही कारण जो पानी इस बार संग्रह होना चाहिए तो हमारे किसानों को जो पानी का उपयोग होना चाहिए, अधिकारियों के लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण आज ये हमारा वाचाखेड़ी तालाब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। शुरू से ही इसमें लगातार शिकायत आ रही थी, चाहे मुआवजे के संबंध में हो, चाहे निर्माण कार्य के संबंध में, जो डीपीआर के माध्यम से जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ है। हमने इस बात को माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराया और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया, उन्हें जांच दल भी गठित करा, परंतु अधिकारी लोग और ठेकेदार अपनी मनमानी को अपने भ्रष्टाचार को उजागर नहीं, जांच टीम के आने के पहले ही ये सब कुछ निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर दिया, दुरुस्त करने का काम भी प्रारंभ कर दिया। ये इस बात का द्योतक क्या है कि निर्माण कार्य में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। अब माननीय मंत्री मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इसको तत्काल इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और ये तालाब का जो काम है शेष है उसको तत्काल पूर्ण किया जाए।